एमसीडी चोणां दे विच नतीजे आउण तों बाद योगेंद्र यादव ने नतीजियां नूं जनता दा फैसला दस्सदे होइआं इह कहा है कि उन्हां दी पार्टी दी इह शुरुआत है ते लोकां नूं बेहतर शासन देण वल उह अक्के वी काम करदे रहणगे। इस दे नाल ही उन्हां बीजेपी दी जित ते पार्टी नूं वधाई जरूर दित्ती है ते कहा है कि दिल्ली दे विकास दे लई हमेशा हर तरह दा सहयोग उह करदे रहणगे। अते उन्हां इह वी कहा कि ईवीएम गड़बड़ी बारे उह आम आदमी पार्टी दे नाल सहमत नहीं हन अते इस फैसले नूं जनता दा फैसला ही मन देने। चुनाव था और हमने बार बार कहा ये हमारे लिए नींव बनाने का, नींव के पत्थर डालने का चुनाव था। कोई बहुत बड़ी सीटें मिलेंगी ऐसे हमने कभी दावा नहीं किया, कोई हमारी अपेक्षा नहीं थी। वोट कितने मिलेंगे वो अभी भी हमें सोचना है, देखना है, पूरी सूचना अभी तक नहीं आई है। जब सूचना आएगी उसके बारे में भी आपसे शेयर करेंगे। इस चुनाव में स्वराज इंडिया ने दिल्ली के सामने वो एजेंडा रखा जो कि एमसीडी का एजेंडा था। हालांकि हम सब पार्टियों को मजबूर नहीं कर पाए कि वो उस एजेंडा पे बातचीत करें। इस चुनाव में स्वराज इंडिया ने नए तरह के उम्मीदवार उतारे। इस चुनाव में स्वराज इंडिया ने महिला उम्मीदवारों को जनरल सीट पे बड़ी संख्या में उतारने का प्रयोग किया। पहली पार्टी जिसने एक इंटेग्रिटी कमेटी अपने उम्मीदवारों के लिए बनाई। इस चुनाव में स्वराज इंडिया एकमात्र पार्टी है जिसने अपने तमाम चंदे को अपनी वेबसाइट पर डाला है, एक ट्रांसपेरेंसी की है। और तमाम मुश्किलों के बावजूद हमारे पास ना कोई सरकार थी, ना साधन थे, कोई एक चुनाव आयोग की तरफ से सिंबल भी नहीं था, लेकिन उस तमाम अड़चनों के बावजूद स्वराज इंडिया के उम्मीदवारों ने, स्वराज इंडिया के वॉलंटियर्स ने जम के इस बसंती रंग का प्रचार किया, जम के दिल्ली में सीटी बजाई और एक नई राजनीति की शुरुआत की।